भोजन को बनाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश अगर नहीं मिला, किसको? भोजन को। जिस भोजन को आप बना रहे हैं या पका रहे हैं, उसको पकाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश नहीं मिला, वो भोजन कभी नहीं करना। क्यों? तो वो आगे लिखते हैं, ये भोजन नहीं विष है। और फिर आगे लिखते हैं कि दुनिया में दो तरह के विष हैं, एक ऐसे विष होते हैं जो तत्काल असर करते हैं और एक ऐसे विष होते हैं जो धीरे धीरे असर करते हैं। तत्काल असर वाले विष आप जानते हैं, जीभ पर एक ड्रॉप डालो मर जाओ, ऐसे बहुत विष हैं। और धीरे धीरे असर करने वाले विष, माने दो साल में, पांच साल में, दस साल में, पंद्रह साल में, बीस साल में असर करेंगे और आपको मरने की स्थिति में पहुंचा देंगे। तो सूत्र उनका इतना है कि जिस भोजन को बनाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश ना मिले, वो भोजन को कदापि ना करें। कि प्रेशर कुकर का भोजन ना करें, माने हमारे घर में एक प्रेशर कुकर है जिस पर बागवती जी का सिद्धांत लागू नहीं होता, माने सिद्धांत ऐसे लागू नहीं होता कि हम उसका खाना खाएं, ना खाएं, वो विष है। फिर मैंने वैज्ञानिकों से बात की कि ये प्रेशर कुकर का भोजन विष है, ऐसा बागवती जी कहते हैं, आपका क्या कहना है? तो हमारे देश में CDRI नाम की एक बड़ी लेबोरेटरी है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां के दो साइंटिस्टों ने कहा कि यार काम तो हमने करके देखा है, बात सही है बागवती जी। मैं कहता हूं ये टीवी पे बोलो, तो उन्होंने कहा ये प्रेशर कुकर कंपनियां गर्दन काट देंगी हमारी, टीवी पे नहीं बोल सकते हम, तुम चाहो तो बोलो। मैंने कहा आपकी रिसर्च क्या कहती है? वो ये कहते हैं कि ये जो प्रेशर कुकर है ज्यादा से ज्यादा या 99% एल्यूमिनियम के बने हुए हैं, एल्यूमिनियम आप जानते हैं। और वो ये कहते हैं कि भोजन रखने और बनाने का सबसे खराब मेटल अगर कोई है तो एल्यूमिनियम ही है। दोनों वैज्ञानिक, वो कहते हैं, नाम नहीं लेना हमारा इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं, वो ये कहते हैं कि हमारा 18 साल का रिसर्च ये कहता है कि अगर इस एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर का खाना बार बार आप खाते जाओ तो गारंटी है कि आपको डायबिटीज तो हो ही जाएगा, अर्थराइटिस तो हो ही जाएगा, ब्रोंकाइटिस भी होने की पूरी संभावना है और सबसे ज्यादा टीबी होने की संभावना है, अस्थमा, टीबी, ये सब होने की संभव। मैं पूछा आपने अब तक कितनी बीमारियों को डिटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा 48 बीमारियों को हम डिटेक्ट कर चुके हैं जो प्रेशर कुकर के खाने से ही होती हैं। बता रहा हूं, आयुर्वेद चिकित्सा यह कहती है कि जिस वस्तु को खेत में पकने में जितना ज्यादा समय लगता है, जिस वस्तु को पकने में खेत में जितना ज्यादा समय लगता है, भोजन रूप में पकने में भी उसको ज्यादा समय लगता है। अब अरहर की दाल की बात करें, आप में से थोड़ा भी गांव से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति होगा तो आप जानते हैं अरहर की दाल को खेत में पकने में कम से कम 7 से 8 महीने लगता है, कम से कम 7 से 8 महीना लगता है। क्यों? अरहर की दाल में जो कुछ भी है, जिसको आप न्यूट्रिएंट के रूप में जानते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में जानते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में जानते हैं, वो मिट्टी से दाल तक आने में सबसे ज्यादा समय लगता है। ये जो मिट्टी है ना खेत की, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का खजाना है। खेत की मिट्टी में कैल्शियम है, खेत की मिट्टी में आयरन है, खेत की मिट्टी में सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, जिप्टन है, जोरोन है, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खेत की मिट्टी में है। ये पौधे की जड़ में आते हैं, जड़ से तने में आते हैं, तने से फल में आते हैं, इस पूरी क्रिया में बहुत समय लगता है, तो इसलिए दाल को पकने में समय लगता है। तो आयुर्वेद ये कहता है कि जिस दाल को खेत में पकने में ज्यादा समय लगा, उसको घर में भी पकने में ज्यादा समय लगना चाहिए। क्यों? ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे एब्जॉर्ब हुए हैं दाल में, खींचकर आए हैं दाल में, इनको डिसॉल्व होने में भी धीरे धीरे ही समय लगेगा। आप दाल क्यों खाना चाहते हैं? आप दाल खाना चाहते हैं प्रोटीन के लिए। प्रोटीन कहां से आएगा? ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कलेक्शन दाल में इकट्ठा है, इनके टूट जाने पर, बिखर जाने पर। तो वो बिखरने और टूटने में उसको देरी लगने वाली है, क्योंकि आने में देरी लगी है। ये प्रकृति का सिद्धांत है। आयु कहा कि भैया प्रेशर कुकर की दाल का भी जरा देख लो, तो उन्होंने कहा ठीक है वो भी देख लेते हैं। तो प्रेशर कुकर की दाल को जब उन्होंने रिसर्च करके देखा तो उन्होंने कहा इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम है। मैं पूछा परसेंटेज वाइज बता दो, तो उन्होंने कहा अगर अरहर की दाल को मिट्टी की हांडी में पकाओ और 100% माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो कुकर में पकाने में 13% ही बचते हैं, 87% नष्ट हो गए।